बारे में बस इतना पता है, उसने एक बार मुझे कहा था कि मैं कान्हा की दीवानी हूँ। तो कृष्ण भगवान कान्हा, तो सुनिएगा ये मेरी लाइफ का जो सबसे बेस्ट है वो मैंने लिखा है कि बड़ी अजीब सी हमारी कहानी है, मैं भक्त महाकाल का हूँ, वो कान्हा की दीवानी है। सुरताल की समझ नहीं है मुझे, वो मीरा की भांति गाती है। मुझे गायत्री मंत्र आता है, वो अनेकों भजन सुनाती है। मैं माथे पर भस्म लगाने वाला, वो कुमकुम का टीका लगाती है। मैं भांग धतूरा चढ़ाने वाला, वो माखन से भोग लगाती है। मैं लड़का भोला वाला सा, वो लड़की बड़ी सयानी है। मैं भक्त महाकाल का हूँ, वो कान्हा की दीवानी है। शुक्रिया। केदारनाथ जाना है मुझे, केदारनाथ जाना है मुझे, वो मथुरा वृंदावन जाना चाहती है। ख्वाब अभी हम दोनों का अधूरा है, ना मेरा मुकम्मल हुआ ना उसका पूरा है। वो खुद को राधा कहती है, मैं साधारण इंसान हूँ। वो मुरली धुन पर नृत्य करे, मैं तांडव से अनजान हूँ। मैंने बताया उसे, जैसा आप सबको पता है मेरा नाम शिवम है, तो सुनिएगा कि मैंने बताया उसे कि नामुमकिन है मेरे लिए तेरा कृष्ण बन पाना। शिवम तो मैं हूँ ही, तू ही मेरी गौरी बन जाना। शुक्रिया। शिव में ही ये संसार समाता है, बांसुरी नहीं बजा सकता मैं, हाँ मुझे शंख बजाना आता है। जीवन तू डर मत, तुझे कैलाश पर नहीं ले जाऊंगा, शहर की इस भीड़ से दूर कहीं एक मंदिर सा घर बनाऊंगा। जीवन के जो कष्ट हैं हम आधे आधे सह लेंगे, तुम बम बम बोले जाप करो, हम राधे राधे कह लेंगे। शुक्रिया। मगर वो शुक्रिया, जीवन के जो कष्ट हैं हम आधे आधे सह लेंगे, तुम बम बम बोले जाप करो, हम राधे राधे कह लेंगे। मगर वो कहाँ मानती है किसी की, करती बस मनमानी है। मैं भक्त महाकाल का हूँ, वो कान्हा की दीवानी है। शुक्रिया। और सुनिएगा, उसकी शादी हो गई तो उसके बाद उसके लिए लिखा था कि हम मोहब्बत को ईमान कहते हैं, कुछ लोग मोहब्बत से अनजान रहते हैं। और तेरे घर की इबादत अब मैं और नहीं कर सकता, अब उस घर में सिर्फ इंसान रहते हैं, अब उस घर में सिर्फ इंसान रहते हैं और बड़े नादान लोग हैं, रहते जमीन पे हैं, खुद को आसमान कहते हैं। और ये आखिरी सुनिएगा कि वो अंदाज पुराना बहुत अच्छा है, उसकी नज़र का निशाना बहुत अच्छा है। वो अंदाज पुराना बहुत अच्छा है, उसकी नज़र का निशाना बहुत अच्छा है। हर रोज़ आकर कहती है मुझे बात नहीं करनी तुमसे, बात करने का बहाना बहुत अच्छा है, बात करने का शुक्रिया, बात करने का बहाना बहुत अच्छा है। और ये कैसा शहर है, पैर रखने को जगह नहीं, गांव का वो ठिकाना बहुत अच्छा है, गांव का वो ठिकाना बहुत अच्छा है। और शिकायत मुझे सिर्फ कुछ लोगों से है, बाकी मेरे लिए जमाना बहुत अच्छा है।